भाई फाइनली गुरलेश की परमिशन मिल चुकी है। अगर आप भी जा रहे हैं तो आपको पहले यहीं जो डीसी ऑफिस है वहाँ पे आके परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो गाड़ियों के नंबर वगैरह कुछ लिखेंगे तो फिर आपको परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर जाके ना खज्जल होना है, उससे अच्छा आप पहले परमिशन ले लेना यहाँ पे। कौन सी जगह थी ये? बांदीपुरा यहाँ पे डीसी ऑफिस की सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल, खतरनाक सिक्योरिटी। चलो ठीक है मित्रों, अभी आपको गुरेज वैली के रास्ते बताते हैं चेक पोस्ट के आगे वाले। ठीक है, स्टे ट्यून। डीसी ऑफिस में गए थे, उन्होंने बोलते जाओ ग्रुप में, जो आपका ग्रुप होगा ना गाड़ी के नंबर। फाइनली मित्रों नाके से भी छूट गए हम, यहाँ पे भी हमें आगे जाने का मौका मिल गया। गुरेज वैली आ रहे हैं हम। यस, पैरासीटामोल असर दिखा रही है थोड़ा थोड़ा। एक और खानी पड़ेगी पर। तो भाई अभी देखते हैं भाई, ये देखो कितनी तगड़ी आइटम बनाई हुई है। ये देखो जिसी फिर कैसा लग रहा है। गुरेज वैली जा रहे हो पाकिस्तान के? भाई पाकिस्तान के बिल्कुल पास में है, मतलब ये गुरेज वैली और पास में ही है अपना जो वो है पाकिस्तान बॉर्डर। तो वो कहते ध्यान से जाना। तो भाई जी अभी रिस्क पे रख के जिंदगी को इंजॉय करने जा रहे हैं। सो अभी टाइम लैप्स देखो आप। परमिशन वगैरह तो मिल गई हमें, और मतलब हाँ चार पांच करवा दो आप चाहे। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं, ये था रास्ते में ढाबा। बिस्किट निकाले यार, बिस्किट रुको, यहाँ पे डॉग गए हैं उनको बिस्किट दे देता हूँ। तो यार आपको मेन बात बताऊँ, मेन बात यह है जैसे हम यहाँ पहुँचे ना बंदे खुश हो गए हमें देख के, बोलते चलो कोई तो आया यहाँ पे। मतलब टूरिस्ट वगैरह कम है अभी, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हम ही हैं पहले यहाँ पे गुरेज वैली में, मतलब 2024 में जो जनवरी के महीने में आए हैं ना हम ही हैं। ये देखो ये रेड डॉगी, दे प्यारा डॉगी है। ये देखो डॉगी को बिस्किट डाल रहा है जिसी डॉग। मैं स्टोरी डाल देता हूँ। कसम से यार जन्नत दिख गई भाई, सच में ही जन्नत दिख गई आज तो। पीछे देखो भाई व्यू, पीछे देखो व्यू भाई, सेक्सी है भाई। मतलब जो चाहिए था ना वो है, अभी तो और ऊपर जा रहे हैं, रुको आपको बताता हूँ। ये देखो इस साइड ये अपनी गाड़ी भाई, ये देखो जन्नत तो दिखी गई बहन चौधरी। ये देखो भाई देखो भाई, आई लव राजोन पास, वेलकम टू राजोन पास पहुंच गए हैं भाई लोग। वो आगे तो आर्मी की गाड़ी है, पर बना सकते हैं यहाँ है भैया आर्मी वाले हैं आगे। वो देखो भाई वो आगे, ये देखो भाई नीचे व्यू चेक करो। ये है राजधान पास, पीछे देखो मेरे राजधान पास फाइनली भाई। इतने ऊपर हूँ मैं, कम से कम 3000 प्लस भाई, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही सच में भाई, सेक्सी जगह है। चलो अब थोड़ी देर में बना।
फाइनली यार गुरेज वैली में एंट्रेंस हो रही है हमारी धीरे धीरे से, और यहाँ पे एक प्यारी सी जगह मिली, हम वहाँ पे रुके हैं। अभी हमें आर्मी वाले मिले थे ऊपर वाली, मतलब जहाँ पे टॉप था ना वहाँ मिले थे, तो उन्हें हम यहाँ तक ले गए नीचे वाली पोस्ट तक। तो मतलब काफ़ी बातें की, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पिरेशन वाली बातें भी सुनने को मिली उनसे, और मैं फ़ोटो शेयर कर दूँगा आपको, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचाई है। ठीक है तो भाई आओ यार ऐसी जगह घूमने, और ऐसे तो बातें सुन सुन के किसी और की फिर तो वही है ना कि बातों पे विश्वास करना है। सलूट है भाई, -40 में भी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं भाई, अच्छा लगा भाई देख मिल के उनसे। तो अभी सीधा मिलते हैं आपको गुरेज वैली में, तो लगभग हम प्रवेश कर ही चुके हैं नीचे जहाँ पे गांव वगैरह है, वहाँ पे इन्होंने हमें एक वो भी बताया आर्मी का, जहाँ पे हम खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे अगर हम वहाँ गए तो वहाँ जाके खाएंगे। ठीक है तो स्टे ट्यून्ड। सामने पेड़ है और उसके सामने बड़ा सा पहाड़ है भाई, क्या ही प्यारी, और एक छोटा सा मंदिर भी है, और देखो परे को, वो देखो। सो अभी इधर है अभी बैठे बैठे ना थोड़ा बोर हो रहे थे, थोड़ा मैं चुपचाप बैठा हुआ था, जस्सी मेरे से पूछता सिंगे तू प्यार से उसको क्या बुलाता है, फिर मैंने इससे पूछा कि तू बता पहले तू क्या बुलाता है, जस्सी बताइए क्या बुलाता है तू प्यार से। मैं स्टुअर्ट और प्रतीक। नहीं यार फिर मेरे से पूछे भाई, मुझे तो शर्म ही आ गई, मैं क्या बोलूं मैं तो गोलू मोलू बुलाता हूँ, मैं क्या बोलता ठीक है फिर मैं क्या जस्सी यार, वैसे गोलू मोलू तो तेरा नाम रखना चाहिए था उसे अच्छा लगता चलो कोई नहीं, रहा ना मैं गोलू मोलू पहले था भाई, कोई नहीं अभी वेट एंड वॉच मार चाह रहा है भाई, मार चाह रहा है, सब वापस आएंगे प्रॉपर क्या चक्कर है, नए नए सरप्राइज भी आने वाले हैं भाई, नए नए सरप्राइज आने वाले हैं याद रखना, बड़े सरप्राइज, मोटी गेम डलेगी है जो सिस्टम हैंग कर देंगे। ठीक है चलो ठीक है, अभी मैं राइड का मजा लेता हूँ, आप लोग का मजा लो भाई। इसकी तो बैटरी डाउन है, ये बोलता मैंने करना है लद्दाख, जिस हिसाब का इसका हाल कश्मीर में हो गया, ना स्नो है अभी ना कुछ, ये लद्दाख नहीं कर पाएगा कभी। अरे यहाँ पे ना थोड़ा मतलब ना, चलो अगली बार तैयार होके आए हैं, मेरा फर्स्ट टाइम था भाई, देखो फर्स्ट टाइम तो इतनी ठंड में मैं कहीं भी नहीं गया, लिटरली कहीं नहीं गया सच में, फर्स्ट टाइम तो किसी का भी नहीं अच्छा जाता। चल वो तो अलग चीज है, ये अलग चीज है साले तुमको। हाँ वही कह रहा हूँ, ठीक था। हाँ अपना तो सबको ठीक ही लगता है, तू अपना बता, अपना तो सबको ठीक ही लगता है, तेरा तो फर्स्ट टाइम यार भाई, गलत सोच रहे हैं, हम तो ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो भाई ट्रिप की बात कर रहे हैं यार, तुम क्या सोच रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो, पागल हो गए तुम, पागल चलो कोई नहीं। तो भाई अभी देखते भाई हैं। अभी हमने करा है 2024 कश्मीर इन जनवरी, हाँ पहले साल शुरू होते ही, और अब हम करेंगे 2025 स्टार्ट होने से पहले, मतलब उसका टाइटल तो 25 ही रखेंगे, और अब अगर हम सेकंड टाइम कश्मीर करेंगे, अगर हम करेंगे जून जुलाई में, हाँ वो एक बार वो मौसम भी ट्राई करना, और अगर नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर 2025 में पक्का कश्मीर 2.0, हाँ कश्मीर होते हुए ले जाएंगे फिर। ठीक है 10 दिन का होगा लगभग, है ऐसी 10 दिन घर से फरार, कोई चक्कर ही नहीं है, हाँ बेदखल कर दिया जस्सी को, तो मुझे तो चलो कि यही होता है इस बार इसको कर दिया बस तेरी बर्बादी का कारण मैं हूँ, मेरी बर्बादी का तो कारण ये है शाम को मैं ना खाना खा के, मतलब जैसे ही बेला हुआ फोन है कश्मीर चलना है, मैं क्या सोच समझ के बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू, बोलता हाँ सोच समझ, इसने भी इतने शारी में बोल दिया हाँ भाई चलना है, चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, फोन काट दिया, फिर मैंने दोबारा फोन करा, मैं हो गया तैयार
बोलता तू पागल तो नहीं हो गया। मैंने इतना भी क्या सोचा ना कश्मीर जाना, मैं कहा कम से कम दोपहर को बता देता। तू बता रहा है 4 घंटे पहले। ये तो लड़कियों के जैसे बोलता, टाइम दे दे मेरे को 1-2 दिन का कश्मीर जाने के लिए। भाई इतना सडन प्लान पर, भाई सडन प्लान में भी भाई ने फुल पावर आ गए। बाबे ढेर में, बाबे ढेर में, ढेर में तो नहीं है। चलो ठीक है, नहीं पैरासिटामोल खा के होगी, ढेर वो अलग बात है। चलो टोपी डाल के बैठे हो, इतने कपड़े। चलो रास्ते का व्यू दिखाते हैं, इसकी तो बकबक खत्म नहीं होगी। और आगे आपको गुरेज वैली में मिलेंगे, ठीक है? गुलेल वैली नहीं, गुरेज वैली, नियर पाकिस्तान। पाकिस्तान भी बताएंगे आपको अगर हमें देखने को मिला तो। चलो स्टे ट्यून्ड। तो देखो यार क्या मिला हमें, प्यारा सा पप्पी। रुको इसे बिस्किट डाल देता हूँ मैं, चला गया। 2 मिनट लगने हैं, रुक। प्यारा सा पप्पी मिला, इसे बिस्किट डाल दे अभी, तो अभी चलते हैं वापिस। हबीबी हबीबी, पाकिस्तान आती आती, पाकिस्तान आती, हम पाकिस्तान में पहुंच जाती। वो सामने वाला पहाड़ देखती तुम, वो सामने वाला, ये पाकिस्तान होती, ये पाकिस्तान होती शायद, या उसके सामने वाला होती, दोनों में से एक पाकिस्तान होती। और तुम आज पाकिस्तान पहुंचती। वी आर वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, आई डोंट नो व्हाई, इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बोलते जहाँ रोड खत्म होगा हम वहाँ रोके गाड़ियाँ। क्यों जस्सी? सही बात है भाई। नहीं यार वहीं रोके रहते सच में। व्यू तो यार मतलब अल्टीमेट है, पैसा वसूल हो गया हमारा, गुरेज वैली आ गया। और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिले भाई यहाँ पे, मज़ा आया। तो अभी आपको नीचे पहुँच के मिलते हैं, ठीक है? ज़्यादा बक बक भी नहीं अच्छी रहती, ठीक है? थोड़ा बीमार हूँ यार मैं, मुझे ना थोड़ा सिस्टम हैंग हो गया, वरना मैं हैंग कर देता सारा। चलो कोई सीन नहीं, अब मिलते हैं आपको नीचे। भाई सीन कुछ ऐसा है कि रात को कोई आ जा नहीं सकता यहाँ पे, बट हम फिर भी गुलेज वैली की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? हमें स्पेशल परमिशन ली हुई है, तो उसके कारण जो है हमें जाने दे रहे हैं अंदर, ठीक है? मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है, मैंने तो ये पापा की आर्मी वाली टोपी पूरी खोल के पहन ली है, और ये ग्लव्स हैं मेरे पास, ये भी पूरे पहन लूँगा अब। और मुझे वो हो गया है माउंटेन सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, कुछ ऐसे नाम था, खांसी भी है साथ में। भाई घर वाले देखेंगे ना मेरी वीडियो, सच में गालियां देंगे मुझे, बट कोई नहीं। मैंने गर्म पानी लिया है आर्मी वालों से, स्पेशल मांग के लिया था। ये देखो ये साला पी रहा है मेरा पानी, बल्कि है प्रॉब्लम मुझे है, पर ये ऐसा प्राणी है ना कि मतलब वही है ना, मेरी नरक का कारण है ये। मुंह फूक लिया इसने, अच्छा हुआ मैं तो अभी तो नहीं पी रहा था। अरे मुझे खुद नहीं पता था भाई, मैं तो पीने वाला था। तो भाई अब रास्ते में देखो 2 गाड़ियां जा रही हैं, बाकी सरकारी सरकारी गाड़ियां जा रही हैं। बोल दे व्लॉग्स कल को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार यही है। कौन? तेरे को। हाँ भाई तू ही है, आर्मी वाले खड़े हैं भाई आगे तो। मेरी सच में फट गई भाई, 3-3 गन्ने लेके खड़े थे। ओ भाई चलो कोई नहीं, अब आपको आगे मिलते हैं भाई। अंधेरे में रोड तो दिखेगा नहीं तुम्हें, पर भाई कसम से मजा आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा ठीक होता ना तो और मजा आता। अंधेरे में क्यों नहीं रोड़ना जरा, एक उन्हें गाड़ी तो भाई अब चलते हैं, अब आपको डेस्टिनी भी मिलेंगे। गाड़ी में इतनी, मेरा सांस फूल रहा है लिटरली भाई। सो भाई गुरेज में काका पैलेस में भी हम पहुंच चुके हैं, आओ तुम्हें रूम बताता हूँ अपना जो हमने लिया है। ये अपना रूम कुछ इस प्रकार, एक बेड ये लगा है, एक वो लगा है, हीटर है, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, गीजर है, और सब कुछ है मतलब। और ये आर्यन तो वॉशरूम में सोएगा आज रात। हाँ चलो तो देखते हैं कौन सोएगा, थोड़ी भाई हालत खराब है इसलिए मैंने कैमरा मैन हायर कर लिया है, ठीक है? कोई चक्कर नहीं होता, अभी गर्म पानी देखो हाथ में यही पी रहा हूँ बस भाई, यही है। अब रात का डिनर विनर करेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या गया है खाने में। अभी बोला भी नहीं जाला यार लिटरली, चलो बंद कर दो। तो डिनर आ चुका है, डिनर में है आलू आलू टमाटर आलू मटर एंड दाल एंड पनीर। तो सारा फूड हाँ ऑर्गेनिक है, होममेड फूड, और आलू जो है ना वो भी ऑर्गेनिक है, एंड पनीर भी ऑर्गेनिक ही होगा। हाँ और सबसे टेस्टी चीज़ है यहाँ का सैलेड, इतना ही मीठा है ना, स्वीट लाइक कश्मीरी पीपल। गाइज अभी हम बाहर आए हैं थोड़ा सा टेम्परेचर चेक करने, अभी नहीं वरना पे बर्फ है। हाँ यार बर्फ जम रही है। गर्म पानी फेंकना, ओ वाह जमना शुरू होगी बर्फ। ओ जम गया पानी, ओ शिट शिट जम रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा हमें दिख रहा है, वो लाइट पर भी जम रहा है पानी, जम रहा है। ओ मैन
गरम थोड़ी जमेगा, गरम भी जमेगा, वो देख जम गरम गया। जमता है, जम गया जस्सी, शिट जम गया, जम गया जम गया जम गया, शिट शिट शिट, अभी नहीं जमा, ओ जम गया, ये देखो ये जम गया, ये जम गया, ये देखो ये ओ जम दिखाओ, ओ ये जम जम गया, ये जम गया, ओ भाई ये तो जम गया, ये इधर आना, डिग्गी में आना, डिग्गी में आना, डिग्गी में आना, वो गाइस ये क्या हो रहा है, ये देखो क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ये क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, ये क्रिस्टल्स, ये देखो, ये देखो मेरे फोन में, देखो कैसे दिख रहा है, इधर आओ मेरे फोन में दिखाओ, क्लियर दिख रहा है, देखो 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 मेरा फोन, देखो ध्यान से, पूरा जम गया, नाइस 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 नाइस, ओ भाई कहाँ है हम लोग, ये एक हमारा दोस्त आकाश सरीन जो हमें फेस टाइम करके आप बोल रहे हैं आना कब है, आपको बोला था ना चलने के लिए, आप क्यों नहीं चले, अब आपके साथ जम जाएगी, निकाल निकाल कर वो एकदम से जमेगी, जैसे जमी थी पहले, ये जस्सी की पानी की, ये देख जमगी, नहीं जमी नहीं अभी, नहीं ढक्कन खोलना, इसका ढक्कन खोलते जमेगी, नहीं आप पकड़ो ना जस्सी को, पकड़ाते हैं ना, अभी तो 4 डिग्री, अगर -14 जाएगा अभी 15 नहीं 20 तो जाएगा बोल रहे थे, अभी 4 है -, ओ जम रही है, नहीं अभी नहीं, सुबह जमेगी, सुबह 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 दिखाएंगे हम आपको, सुबह ट्राई करेंगे, ये देखो ये जमगी भैया, ये बर्फ देखो जमगी बर्फ, ओ यार और हमें ठंड नहीं लग रही, ये ऐसा हमारा होटल, ये हमारा होटल रहा काका पैलेस, बड़ा ही हेरिटेज, बड़ा ही हेरिटेज पैलेस है यार, सच में हेरिटेज होटल है, आ जाओ अंदर आ जाओ यार, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, जस्सी ने सारी गाड़ी की, जस्सी देखना, देखो जस्सी क्या कर रहा है, सारी गाड़ी गिल्ली कर दी इसने, पूरी गाड़ी में बर्फ जमा रहा, नाइस, ओ यहाँ जम गई सारी साइडों में, सुबह को ऐसे मिले कि जमी हुई है, हाँ जमी, खतरनाक जमी हुई, हमारे भी बना दो यार कुछ, हमारे भी पैटर्न बना देना, हम शॉट लेंगे एक फिर इसका मस्त, जैसे अनलॉक करना एक मिनट, आइस विद इन 10 seconds, क्या मुझे नहीं चाहिए, मैंने वो बोतल लानी थी बीच में बस, -10 degree टेम्परेचर, नहीं -15 degree टेम्परेचर में पानी डालते ही फ्रीज हो गया गाड़ी के ऊपर, ये दिस इज ग्रेज कश्मीर वैली टॉप ऑफ इंडिया नियर पाकिस्तान नियर पीओ के 10 किलोमीटर अवे, बस 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान से हम